नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। कल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, हाफ गर्लफ्रेंड और हिंदी मीडियम। तो हम आपको बताते हैं कि मूवीज के रिव्यू। पहले बात करते हैं हाफ गर्लफ्रेंड की। राइटर चेतन भगत की नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड पर आधारित इसी नाम की फिल्म बनाई गई है, जिसमें बिहार के लड़के और दिल्ली की लड़की की दास्तान को बयान किया गया है। फिल्म की कहानी काफी कमजोर सी है, स्क्रीन प्ले बहुत ही ठंडा है जिस पर काम किया जा सकता है। जो बात चेतन भगत की टू स्टेट्स और थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों में थी, वह यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। फिल्म के संवाद भी काफी कमजोर है और रोमांस ड्रामा में भी कुछ खास बात नहीं है। किसी भी रोमांटिक फिल्म को देखते वक्त इंसान उसमें खो जाता है, लेकिन इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसा फील नहीं हो पाता, जो कि स्क्रीन प्ले की कमी है। कहानी बांध पाने में असफल है और कौन सा किरदार आखिरकार क्या करना चाहता है, ये बात तो मेकर्स बताने में असमर्थ रहे। क्रिटिक्स ने फिल्म को 2 स्टार्स दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें हिंदी मीडियम की फिल्म, फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी है इरफान खान, जो हर किरदार को जीवित कर देते हैं और ऐसी ही उन्होंने इस फिल्म में भी किया है। इरफान की कमाल की टाइमिंग आपको ठहाके लगाने को मजबूर कर देगी। हिंदी मीडियम की खामियां की बात करें तो फिल्म में कुछ ही चीजें कमजोर हैं और इसमें सबसे पहली है स्क्रीन प्ले। फिल्म के कुछ सीन्स फिल्म की लंबाई बढ़ाते हैं। वहीं अगर बात इस फिल्म की खूबियों की करें तो सबसे बड़ी खूबी है इसका विशेष, जिससे शायद हर माँ बाप जूझ रहा। फिल्म की खूबियों की बात करें तो सबसे बड़ी खूबी है इसका विषय, जिससे शायद हर माँ बाप को जूझना पड़ता है।